हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनमें अदालत नाम मात्र का जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चलने वाले कानूनों में तरह तरह के अपराध है। फ्रेंड्स, छोटे बड़े सभी तरह के अपराध है। हर अपराध में सजा भी उस अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्धारित की गई है। फांसी की सजा से लेकर 100 रुपए के जुर्माना तक की सजा है। फ्रेंड, कुछ छोटे अपराध ऐसे हैं, फ्रेंड, जहां अदालत के पास 1 महीने 6 महीने तक के कारावास की सजा देने की शक्ति है। फ्रेंड्स, लेकिन अदालत उदारता के साथ ऐसे छोटे अपराधों में कारावास की सजा नहीं देकर नाम मात्र का जुर्माना लगा देती है, क्योंकि भारत की जेलों में इतने अपराधी हो चुके हैं कि अपराधियों को रखने एवं उनकी देखरेख की व्यवस्था मुश्किल हो जाती है। फ्रेंड, अदालत गंभीर अपराधों में ही जेल में रखने पर ध्यान आकर्षित करती है। इस वीडियो में उन अपराधों के बारे में आज हम जानेंगे जिनमें अदालत आरोपी द्वारा जुर्म कबूल करने पर जुर्माना कर देती है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब अभियुक्त जुर्म कबूल कर लेता है, इससे अदालत का समय बच जाता है। फ्रेंड, और इतने समय में गंभीर प्रकरणों को सुना जा सकता है। फ्रेंड, सर्वप्रथम हम जानते हैं जुआ और सट्टे के अपराध के बारे में। भारत में जुआ और किसी भी तरह का सट्टा खेलना या खिलवाना दोनों ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसे अपराध घोषित कर कारावास की सजा का उपबंध किया गया है। फ्रेंड्स, भारत में जुए को प्रतिबंधित करके अपराध बनाने वाला कानून सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 है। फ्रेंड, इस अधिनियम के अंतर्गत जुआ खेलना और खिलवाना दोनों ही कारावास से दंडनीय अपराध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुकी है कि फ्रेंड, बगैर मजिस्ट्रेट के इजाजत के पुलिस द्वारा छापा नहीं मारा जा सकता। फ्रेंड, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस को सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है। फ्रेंड, इस तरह से सट्टे के लिए सट्टा अधिनियम भी है, पर फ्रेंड, जो सट्टे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर अपराध बनाता है। फ्रेंड, इन दोनों ही अपराधों में यदि अदालत चाहे तो प्रकरण को समरी ट्रायल के रूप में फ्रेंड सुनकर अभियुक्त को कारावास से भी दंडित कर सकती है। फ्रेंड, लेकिन आमतौर पर अदालत इन अपराधों में अभियुक्त के अपराध स्वीकार कर लेने पर फ्रेंड 100 या 200 रुपए का जुर्माना कर देती है। फ्रेंड, और जुए में पकड़ाए रुपए सरकार द्वारा राजसात कर लिए जाते हैं। फ्रेंड, दूसरा अपराध है सार्वजनिक रूप से शराब पीने का। फ्रेंड, शराब और भांग से संबंधित अपराध राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। सभी राज्यों के शराब को लेकर अलग अलग अधिनियम है। फ्रेंड, लेकिन अब लगभग सभी राज्यों में सार्वजनिक रूप से फ्रेंड शराब पीने को प्रतिबंधित किया जा चुका है। फ्रेंड, ऐसे अपराधों में यदि पुलिस प्रकरण बनाती है तो अदालत जुर्माना कर छोड़ सकती है। फ्रेंड, इन अपराधों में ट्रायल फेस नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसी तरह कभी कभी अदालत उदार दृष्टिकोण रखते हुए NDPS एक्ट के अंतर्गत आने वाले पदार्थों के सेवन फ्रेंड्स करने वाले व्यक्ति पर भी जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। फ्रेंड्स, हालांकि यह थोड़ा गंभीर मामला है, इसीलिए अदालत इस अपराध में फ्रेंड्स अधिकांश जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ती है। कम मात्रा में शराब जब्त होने पर भी फ्रेंड अदालत अपराध स्वीकार करने पर मामला खत्म कर फ्रेंड अभियुक्त को जुर्माना लगा देती है। फ्रेंड्स, तीसरा अपराध है लापरवाही से गाड़ी चलाने पर। इस लापरवाही से कोई भी मोटर यान चलाने वाले पर या फिर कोई अन्य सवारी चलाने वाले पर फ्रेंड IPC की धारा 279 लागू होती है। इस धारा के लागू होने के लिए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचनी ही जरूरी नहीं है, केवल लापरवाही से सवारी चलाने पर ही इस धारा में अपराध बन जाता है। इसी के साथ यदि ऐसे वाहन चलाने से किसी व्यक्ति को साधारण चोट लगी है फ्रेंड, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 337 लागू होती है। इन दोनों ही अपराधों में अदालत अभियुक्त को जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है। हालांकि यदि पीड़ित को गंभीर चोट लगी है जैसे फ्रैक्चर इत्यादि है, तब धारा 338 एप्लीकेबल हो जाती है। जब अदालत जुर्माने पर नहीं छोड़ती है फ्रेंड, ऐसे में अगर अभियुक्त अपराध स्वीकार कर ले तो फ्रेंड उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार IPC के अधीन अन्य छोटे अपराध भी हैं, जिनमें गाली गलौज, झूमा झटकी इत्यादि है। फ्रेंड, इन अपराधों में भी अदालत जुर्माने पर अभियुक्त को छोड़ सकती है। फ्रेंड, कुल मिलाकर ऐसे अपराध जो अधिक गंभीर नहीं है और जिनमें कारावास की सजा 1-2 महीने या 6 महीने तक ही है, वहां अदालत अभियुक्त के अपराध स्वीकार करने पर जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनमें अदालत नाम मात्र का जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है।
और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।